राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर के होटल शिवविलास में हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम गहलोत ने की। बैठक में पीसीसी चीफ और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल समेत कांग्रेस के सभी विधायक, निर्दलीय विधायक और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की कवायद चल रही है, उस बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुमत की बात करें तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और कांग्रेस स्पष्ट रूप से चुनाव जीत रही है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा विधायकों में तोड़फोड़ का प्रयास कर रही है, उसके चलते यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि सीएम गहलोत और पायलट का दावा है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हमारा कोई भी विधायक भाजपा के लालच में आने वाला नहीं है और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों की जीत होगी, लेकिन बीजेपी सेंधमारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ ही हैं। बैठक में मौजूद रहे विधायकों ने भी मुख्यमंत्री और पायलट को भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ हैं और बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इससे पहले सभी विधायक सीएमआर पहुंचे थे, जहां से उनको बसों से होटल शिवविलास ले जाया गया था। चलिए, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, अगर बात करें तो ये जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या कुछ इस बैठक में सामने निकल कर आया है? चुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई। सीएमआर में यह बैठक होनी थी, लेकिन अचानक इसका स्थान चेंज किया और होटल शिव विलास में कोकस में यह बैठक हो रही है जी। तमाम जो विधायक कांग्रेस और निर्दलीय जो विधायक हैं, वो सभी विधायकों को सीएमआर से बसों के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर फिलहाल उच्च स्तरीय बैठक चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। जो एआईसीसी ऑब्जर्वर हैं रणदीप सुरजेवाला, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, सह प्रभारी विवेक बंसल, तरुण कुमार सहित कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी जो रणनीति है उस पर अभी चर्चा हो रही है, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में जो मुख्यमंत्री है वो सबको एकजुटता का संदेश देंगे। जिस तरह से देखिए, गुजरात में बीजेपी ने जोड़तोड़ की राजनीति के राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, ये विधायक दल की बैठक कब होगी दिनेश, ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए अमित, कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। फिलहाल उच्च स्तरीय एक बैठक चल रही है मुख्यमंत्री के साथ, जो प्रदेश नेतृत्व डिप्टी सीएम, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और जो ऑब्जर्वर है रणदीप सुरजेवाला जी, उनके साथ बैठक चल रही है। उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में जो निर्णय लिया जा रहा है उच्च स्तरीय बैठक में, वो विधायकों को एकजुटता का संदेश दिया जाएगा कि जिस तरह बीजेपी की ओर से जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस की विचारधारा पर सभी को विश्वास है और ऐसे में किसी के प्रलोभन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सभी विधायकों को 19 जून तक यहाँ पर रखा जाएगा, तो मुख्यमंत्री की ओर से ये सभी विधायकों को ये बात बैठक में कही जाएगी कि जिस तरह से बीजेपी के प्रयास किए जा रहे हैं गुजरात में किए गए, ऐसे राजस्थान में ना हो, ऐसा इसके लिए सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए 19 जून तक, देखो 19 जून को राज्यसभा के लिए मतदान होना है, तब तक के लिए सभी विधायकों को यहाँ पर रखा जाएगा। आज यहाँ पर सभी विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे और ये संदेश देंगे कि एकजुटता से सभी विधायक एक साथ रहें, किसी तरह का कोई खतरा ना हो। दोनों कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो विजयी हैं, तमाम जो निर्दलीय 13 विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। 19 जून तक यहाँ पर इनको रखा जाएगा, इसके लिए अभी मुख्यमंत्री की ओर से सभी विधायकों को यह संदेश दिया जाएगा जी, ताकि किसी तरह की बीजेपी की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर कामयाब नहीं हो सके। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता दिनेश कसाना यहाँ पर हमें ताजा अपडेट दे रहे थे कि ये जो बैठक चल रही है और इस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और इसके बाद विधायक दल की यहाँ पर बैठक भी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आपको ये भी बताते हैं कि शिवविलास होटल में ये बैठक इस वक्त चल रही है, कांग्रेस के तमाम विधायक, कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं।